Hello dear students, I am Bhavesh sir and I welcome you all on my YouTube channel Bhavesh sir Physics. So here you will learn and understand the physics. Okay, so in this lecture we will learn to derive the dimensional equation of some electrical quantities. होता क्या है कि बच्चा जो है 10th क्लास से 11th क्लास में आता है और 11th क्लास में आते ही जो पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको मिलता है वो होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डायमेंशनल इक्वेशन बनाना या डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का. जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना या डायमेंशनल इक्वेशन बनाना सीखते हैं उसी के बाद आप डायमेंशनल एनालिसिस को अच्छे से लर्न कर पाते हैं. ओके, तो जनरली जो प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं कर पाता और फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाता. ओके, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उसको डिफिकल्टी होती है कि किस तरह से डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया जाए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का. तो जैसा कि मेरा लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हैं थर्मल क्वांटिटीज की. ठीक है, इसी तरह से इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशनल इक्वेशन किस तरह से डिराइव की जाती है. देन इसके बाद मैं एक लेक्चर और लेके आऊंगा आपके लिए जिसमें हम मैग्नेटिक जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल इक्वेशन डिराइव करना सीखेंगे. ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल इक्वेशन लिखने के लिए वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है. तो इंपॉर्टेंट स्टेप्स में पहला जो आपको ध्यान रखना है, पहला आपको रिलेशनशिप आना चाहिए. ठीक है, आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप डायमेंशनल इक्वेशन लिखने वाले हैं. अगर आपको उसकी रिलेशनशिप आती है सबसे पहले आप वो रिलेशनशिप लिख ले और रिलेशनशिप लिखने के बाद आप उसकी एसआई यूनिट निकाल लें कि भाई एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज दिस. और जैसे ही आप उसकी यूनिट निकालेंगे तो आपको यूनिट में चेक करना है कि सारी जो है वो बेसिक यूनिट है या उसमें कुछ डिराइव यूनिट भी है. अब बेसिक यूनिट और डिराइव यूनिट अगर आपको डाउट है तो उसका मैंने लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप एक बार उस लेक्चर पर जाकर आप वहां देख सकते हैं कि बेसिक यूनिट क्या होती है और डिराइव यूनिट क्या होती है. ठीक है, तो अगर वहां पर कोई भी यूनिट डिराइव यूनिट है तो आपको डिराइव यूनिट को ब्रेक करना पड़ेगा या कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिक यूनिट्स में. और एक बार जब आप बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट कर लोगे सारी यूनिट्स को, देन यू कैन राइट अ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो ये कुछ सिंपल सी स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना है और मैं जो भी यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं डिराइव कर रहा हूँ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल इक्वेशन को डिराइव करना. ठीक है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट बेसिक हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, चलो देखते हैं. फर्स्ट जो हम डिराइव कर रहे हैं डायमेंशनल इक्वेशन वो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब आप डायमेंशनल इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आपको कोई रिलेशन आना चाहिए. तो चार्ज के लिए हम एक सिंपल सा रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो यहां से क्यू की डायमेंशनल इक्वेशन आपको पता करनी है, तो क्यू की डायमेंशनल इक्वेशन के लिए हम क्या लिखें, क्यू इज इक्वल टू आई टी. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आ गई आपके पास क्यू इज इक्वल टू आई टी. अब क्यू इज इक्वल टू आई टी के बाद जो मैंने आपको सेकेंड स्टेप बताई थी, सेकेंड स्टेप क्या लिखोगे भाई, एसआई यूनिट ऑफ क्यू. So, SI unit of Q is equal to क्या होगा, SI unit of this quantity. SI unit of Q is equal to क्या होगा, SI unit of this quantity. तो यहां पर आप देखें कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की जो SI unit होती है एम्पियर, और टाइम के लिए हम लिखते हैं सेकेंड. तो आप देखें कि SI unit of इलेक्ट्रिक चार्ज क्या आ गया, एम्पियर इंटू सेकेंड. ठीक है, तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, थर्ड थिंग ये है कि आपको चेक करना है कि सब बेसिक यूनिट है या उसमें कोई डिराइव यूनिट भी है. तो आप इसमें चेक कर लो कि एम्पियर जो है वो एक बेसिक यूनिट है और सेकेंड भी जो है वो एक बेसिक यूनिट है. यानी कि आप अब यहां से डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हैं किसके, इलेक्ट्रिक चार्ज की. तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशनल इक्वेशन हम लिखेंगे. ठीक है, तो यहां पर m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 एंड a रेस्ट टू पावर 1. आप जानते हैं m किसके लिए लिखते हैं हम, मास के लिए. l जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है लेंथ के लिए. ठीक है, t लिखते हैं हम टाइम के लिए. ठीक है, तो एम होता है मास के लिए. मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. लेंथ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और टाइम भी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. और यहां पर एम्पियर जो हमने लिखा है, एम्पियर हमने किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए. इलेक्ट्रिक करंट,
सो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो अ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उनकी जो यूनिट होती है उनको क्या बोलते हैं अपन, बेसिक यूनिट्स, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। तो यहां से आप देखेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशनल इक्वेशन क्या आ गई, एम रेस टू पावर जीरो, एल रेस टू पावर जीरो, टी रेस टू पावर वन एंड ए रेस टू पावर वन। सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर अ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नाउ लेट्स सी सेकेंड जो मैं क्वांटिटी ले रहा हूं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बस वही जो स्टेप मैंने आपको बताई है बहुत आसान है, आपको स्टेप्स फॉलो करनी है। जैसे कि हम फॉर्मूला लिखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाय क्यू। ओके, V इज इक्वल टू W बाय क्यू, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो हम अपनी ये फर्स्ट स्टेप तो हुई कि आपको रिलेशनशिप पता है। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे भाई, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, SI यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। सो SI यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी मींस W क्या है, यहां पर वर्क है, वर्क की जो SI यूनिट है होती है जूल। वर्क की SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है। और चार्ज की तो आपने सॉल्व करी है, चार्ज की होती है एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसको कि कूलाम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड कूलाम्ब। ओके, नाउ राइट दिस हियर कूलाम्ब, ये कूलाम्ब लिख दिया हमने, सी यूज करते हैं सिंपल कूलाम्ब के लिए, तो यहाँ कूलाम्ब लिख दिया, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर कूलाम्ब, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जूल और कूलाम्ब क्या है, दोनों ही डिराइव्ड यूनिट्स है। तो डिराइव्ड यूनिट्स को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेसिक यूनिट में। तो बेसिक यूनिट में कैसे करोगे आप, देखें आप यहाँ पर कि इसी स्टेप को मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ आगे। जूल के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ये तो आप अच्छे से याद ही कर लेना क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। जूल के लिए आप लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, और कूलाम्ब के लिए तो आपने सॉल्व किया ही है, कूलाम्ब के लिए कर सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। नाउ यू कैन सी हियर मीटर इज अ बेसिक यूनिट, एम्पियर इज अ बेसिक यूनिट एंड सेकेंड इज ऑल्सो अ बेसिक यूनिट। ये सब आपके हो गए बेसिक यूनिट। न्यूटन जो है यहाँ पर क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। तो न्यूटन को हम और ब्रेक करते हैं, तो न्यूटन के लिए लिख सकते हो आप किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या बचा हुआ है, मीटर एंड डिवाइड बाय एम्पियर इंटू सेकेंड। नाउ कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर ले, तो यहाँ कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, तो आप देखें यहाँ से आपके पास आ जाएगा किलोग्राम की पावर वन, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा तो मीटर की पावर टू, ठीक है। यहां से सेकंड आप ऊपर ले लें, सेकंड की पावर माइनस थ्री एंड एम्पियर रेस टू पावर माइनस वन, ठीक है। अब आप देखें कि किलोग्राम बेसिक यूनिट है, मीटर जो है आपकी बेसिक यूनिट है, सेकंड भी बेसिक यूनिट है और एम्पियर भी बेसिक यूनिट है, सारी आपकी ये बेसिक यूनिट आ गई। तो सब बेसिक यूनिट आ गई, तो यहां से हम डायमेंशनल इक्वेशन अगर लिखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो किलोग्राम जो है किसकी बेसिक यूनिट है, मास की, मास की पावर एम की पावर वन। मीटर जो है लेंथ के लिए लिखते हैं तो लेंथ की पावर टू, सेकंड लिखते हैं हम टाइम के लिए तो टाइम की पावर माइनस थ्री, और यहां पर आ जाएगा ए रेस टू पावर माइनस वन। ओके, सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशनल इक्वेशन, एम रेस टू पावर वन, एल रेस टू पावर टू, टी रेस टू पावर माइनस थ्री एंड ए रेस टू पावर माइनस वन। ओके, नाउ लेट्स टेक थर्ड क्वांटिटी। थर्ड क्वांटिटी हम लेते हैं, हमने एक तो सॉल्व कर लिया इलेक्ट्रिक चार्ज को, उसके बाद सॉल्व करा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, अब हम लेते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वापस से वही बात है कि आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डायमेंशनल इक्वेशन बनानी है, तो इसकी डायमेंशनल इक्वेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक रिलेशनशिप लिखनी पड़ेगी। तो यहां से आप देखें रिलेशनशिप आप जानते हैं, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है, ये तो आप 10th क्लास में स्टडी करके आए हैं, ठीक है। ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, आपको R की फाइंड आउट करनी है डायमेंशनल इक्वेशन, तो R इज इक्वल टू क्या जाएगा, V डिवाइड बाय I। सो फर्स्ट स्टेप तो आपने पूरी कर ली, फर्स्ट स्टेप क्या चाहिए थी आपको, रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप आ गई आपके पास, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। अब रिलेशनशिप मिलने के बाद जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि SI यूनिट ऑफ रजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस R। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना जाएगा, SI यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट आप देखें यहां से क्या आ रहा है, जूल अपॉन कूलाम, और जूल अपॉन कूलाम को वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है।
जूल अपॉन कूलाम जो है उसको वोल्ट भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर इसके लिए वोल्ट के लिए वी यूज कर लेते हैं और आई जो है करंट के लिए यूज करते हैं एम्पियर। करंट की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है, ठीक है। और ये वोल्ट आ गया। अब हमारी स्टेप क्या है इसमें, अब क्या चेक करोगे आप, आपको ये चेक करना है कि दोनों बेसिक यूनिट से या इनमें से कोई डिराइव्ड यूनिट है। तो आप देखें एम्पियर जो है वो बेसिक यूनिट है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, नाउ लेट्स सी वी। वी यानी ये वोल्ट। तो वोल्ट क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है, वोल्ट इज अ डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट को हमारी स्टेप क्या कहती है कि हमें किसमें बदलना पड़ेगा, बेसिक में बदलना पड़ेगा। तो बेसिक में आप चेंज कर लो, तो वोल्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो, वोल्ट की जगह आप देख ले हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको दोबारा सॉल्व करके बताता हूँ। वोल्ट के लिए हम लिखेंगे जूल अपॉन कूलाम, या आ जाएगा एम्पियर। तो आप देखें जूल जो है यहाँ पर, ठीक है, जूल के लिए हम क्या लिखें, जूल के लिए अभी हमने सिखाया आपको न्यूटन इंटू मीटर करेंगे हम, एम्पियर को यहाँ रहने दे। अब जो कूलाम है, कूलाम इज ऑल्सो अ डिराइव यूनिट, कूलाम भी क्या है, डिराइव यूनिट है। कूलाम को आप क्या लिख सकते हो, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो कूलाम की जगह आप लिख दे एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ चेक कर ले आप, न्यूटन को ब्रेक करो, न्यूटन को ब्रेक करिए किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन जो थी वो भी आपकी डिराइव यूनिट थी, तो उस डिराइव को फर्दर आपको बेसिक में ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपको बेसिक में ब्रेक करो तो क्या बना, किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। अब बची हुई क्वांटिटी आप देख लें, यहां से ये मीटर बचा आपका और नीचे यहां पर एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो अरेंज करते हैं, तो किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 2, ठीक है, सेकेंड की पावर -3 एंड दिस इज -2। नाउ दीज ऑल आर द बेसिक यूनिट्स, सब ये क्या है, बेसिक यूनिट्स है। तो आप किलोग्राम जो है किसकी यूनिट है, मास की, तो m की पावर 1, मीटर है लेंथ की तो l की पावर 2, सेकेंड जो है टाइम की है तो t की पावर -3 और एम्पियर a की पावर -2। सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डायमेंशनल इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 एंड a की पावर -2। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के डायमेंशनल इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है कि सर डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। तो डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला में डिफरेंस है कि अगर आप इसको हटा दो यहां से, यानी कि ये जो आपने निकाली है वैल्यू, इस वैल्यू को अगर आप फिजिकल क्वांटिटी के बराबर नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पर तो फिजिकल क्वांटिटी हो क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बराबर नहीं करते हैं तो ये अभी क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इफ यू इक्वेट इट विद द फिजिकल क्वांटिटी, अगर आप इसको फिजिकल क्वांटिटी के बराबर इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, तो अब इसको क्या बोला जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं, चलो अपन ले लेते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो वही स्टेप आपको पता ही है, कैपेसिटेंस के लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यहां पर यूज करते हैं Q इज इक्वल टू सी वी। Q तो इलेक्ट्रिक चार्ज है आप जानते ही हैं, V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और C यहां पर कहलाता है कैपेसिटेंस। तो हमें तो C के लिए फाइंड आउट करना, तो C इज इक्वल टू क्या जाएगा, क्यू बाई वी, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, SI यूनिट ऑफ C इज इक्वल टू क्या होगा, SI यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी SI यूनिट होती है कूलाम, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी होती है वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा कूलाम डिवाइड बाय वोल्ट, ठीक है। कूलाम डिवाइड बाय वोल्ट जो है इसको फैरेड भी कहते हैं, FARAD, फैरेड, ठीक है। सो फैरेड इज SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। अब हमें तो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आप चेक कर लो कि ये भाई डिराइव यूनिट है कि बेसिक यूनिट है। तो आप देखेंगे तो कूलाम जो है वो एक डिराइव यूनिट है, ऐसे ही वोल्ट भी जो है वो एक डिराइव यूनिट है, ठीक है। तो मैं यहाँ रेफर कर लेता हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो कैपेसिटेंस के लिए हम लिखना चाहें सी, तो कूलाम, ये रहा कूलाम। कूलाम के लिए डायमेंशनल इक्वेशन हमने क्या निकाली हुई है, m0 l0 t की पावर 1 a की पावर 1। तो यहां से हम कूलाम की जगह लिख देते हैं t की पावर 1 a की पावर 1, ठीक
ठीक है, टी की पावर वन, ए की पावर वन, ये आ गया कूलाम के लिए। वोल्ट के लिए भी हमने सॉल्व किया हुआ है, ये रहा वोल्ट के लिए, वोल्ट के लिए क्या आ रहा है, एम की पावर वन, एम की पावर वन, एल की पावर टू, टी की पावर माइनस थ्री एंड ए रेज टू पावर माइनस वन। ठीक है, इन्हें हम और सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो इसको आप आगे सॉल्व करके देखें। तो देखो m की पावर 1 है, ऊपर लेके आओगे तो m की पावर कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। ये l की पावर 2 है, l की पावर 2 ऊपर आएगी तो l रेज टू पावर माइनस 2 हो जाएगी। t की पावर माइनस 3 है, ऊपर लाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 ये आ जाएगा t की पावर 4। ठीक है, माइनस 3 है, ऊपर आओगे तो प्लस 3 हो जाएगी पावर, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही a की पावर चेक करें तो माइनस 1 है, ऊपर आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगी 2। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली आपसे कैपेसिटेंस ही आ जाए पेपर में, कैपेसिटेंस सॉल्व करने की कहे, तो आप अपनी स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप्स में जैसे आप चेक करेंगे कि भाई ये डिराइव्ड यूनिट है, तो डिराइव्ड यूनिट है तो उसको आपको किस में ब्रेक करना पड़ेगा, बेसिक यूनिट में। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करें। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फाइंड आउट कर ली है, देन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम डिराइव करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन इंडक्टेंस के लिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं वहां लेक्चर और आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है वो क्या है, इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस को एल से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहला जो है पॉइंट, पहला जो स्टेप है, वो पहली स्टेप यही है कि आपको कोई ना कोई रिलेशन आना चाहिए इंडक्टेंस के लिए। ठीक है, तो इंडक्टेंस के लिए जो रिलेशन है वो है वी इज इक्वल टू एल di डिवाइड बाय dt। ठीक है, यहां मैं बता देता हूं आपको, v जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, l इंडक्टेंस है, di बाय dt यहां पर i करंट है और t जो है वो टाइम है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हमें फाइंड आउट करना है l के लिए डायमेंशनल इक्वेशन। तो l के लिए क्या करेंगे हम, l इज इक्वल टू v डिवाइड बाय di बाय dt। ठीक है, इस तरह से अरेंज कर लेंगे इस इक्वेशन को। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज SI unit of L. So SI unit of L is equal to SI unit of this quantity. So SI unit of electric potential is volt. Volt से बताते हैं, V लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, SI unit of electric potential is volt. तो volt के लिए हमने V लिख दिया। Now for current, electric current जो है उसके लिए ampere. ठीक है, और time के लिए second. ठीक है, दोबारा repeat कर देता हूँ। ये electric potential था, electric potential की जो SI unit है वो क्या होती है, volt होती है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके एसआई यूनिट एम्पियर और टाइम के एसआई यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, इसको थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वोल्ट इनटू सेकंड डिवाइड बाय एम्पियर। अब आप यहां पर जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन सी तो डिराइव यूनिट है और कौन सी बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो आप यहां पर देखें, सेकंड इज अ बेसिक यूनिट, एम्पियर इज अ बेसिक यूनिट, नाउ वोल्ट इज अ डिराइव यूनिट। तो वोल्ट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिक यूनिट में। ठीक है, तो वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं बेसिक यूनिट में। देखो आप, तो वोल्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, तो यानी वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, जूल डिवाइड बाय कूलाम। ठीक है, जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की, और कूलाम किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो जो वोल्ट है, वोल्ट को किस में ब्रेक कर सकते हैं अपन, जूल डिवाइड बाय कूलाम। तो वोल्ट को हम लिख देते हैं जूल डिवाइड बाय कूलाम इनटू सेकंड डिवाइड बाय दिस एम्पियर। नाउ हियर आल्सो जूल एंड कूलाम बोथ आर द डिराइव यूनिट, जूल और कूलाम दोनों ही क्या है, डिराइव यूनिट है। तो जूल को हम ब्रेक कर दें, तो जूल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, और कूलाम जो है, कूलाम को ब्रेक करोगे, कूलाम के लिए हम बता देते हैं आपको क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, तो कूलाम की जगह आप क्या लिख सकते हो, एम्पियर इनटू सेकंड। एम्पियर किसकी यूनिट हो गई आपकी, इलेक्ट्रिक करंट की, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड। तो यहां पर हम जो कूलाम है, कूलाम को ब्रेक कर सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड में, तो कूलाम की जगह आप कर दो एम्पियर इनटू सेकंड। ठीक है, और यहां से आपके पास क्या था, सेकंड था ऑलरेडी, और यहाँ नीचे जो है एम्पियर। ठीक है, अब वापस आप देखें, सो कैंसिल आउट दिस, सेकंड से सेकंड कैंसिल कर दो आप। अब ये जो न्यूटन है वो डिराइव यूनिट है, तो अब न्यूटन को भी आपको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा बेसिक यूनिट के अंदर। तो न्यूटन को आप ब्रेक करो, तो न्यूटन के लिए आ जाएगा किलोग्राम इनटू मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन के लिए हमने लिख दिया। आगे देख लेते हैं, दिस इज मीटर,
और ये एम्पियर और एम्पियर क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब आप चेक कर लें, किलोग्राम बेसिक यूनिट है, मीटर बेसिक यूनिट है, सेकेंड भी बेसिक यूनिट है और एम्पियर भी बेसिक यूनिट है, यानी कि हमने सारी जो यूनिट्स थी उनको हम किस में लेके आ गए, बेसिक यूनिट में लेके आ गए। ठीक है, तो आगे हम लिख सकते हैं कि किलोग्राम की पावर, देख लो आप, किलोग्राम की पावर 1, ठीक है, मीटर की पावर 2, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो मीटर की पावर 2, सेकेंड की पावर इसको ऊपर ले जाओगे तो -2, एंड एम्पियर, ये एम्पियर ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -2। ठीक है, तो किलोग्राम जो है मास की यूनिट है, तो मास के लिए m आ गया, तो m की पावर 1, देन मीटर लेंथ की यूनिट है, लेंथ के लिए l, पावर 2, सेकेंड जो है टाइम की यूनिट है तो टाइम के लिए t और पावर -2, एंड एम्पियर रेस टू पावर -2। सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर इंडक्टेंस l। इंडक्टेंस जो है उसकी डायमेंशनल इक्वेशन आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोसेस जो है, प्रोसेस तो सेम ही है सबके लिए, बट उस प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेप्स है हमारी, उस स्टेप्स में आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी की। रिलेशनशिप आने के बाद आप उसकी एसआई यूनिट निकाल लो, और एसआई यूनिट निकालने के बाद आप उसमें चेक कर लो, चेक ये करो कि सारी जो क्वांटिटीज की यूनिट्स है वो बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक यूनिट्स है या नहीं है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो यूनिट्स है आपके पास, वो सारी यूनिट्स आपकी क्या होनी चाहिए, बेसिक यूनिट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक यूनिट में आप कन्वर्ट कर लो, देन यू विल गेट योर डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नाउ लेट्स सी अ नेक्स्ट हियर डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो आप सिंपली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो रिलेशन हमारे पास है, अब रिलेशन है अपने पास, तो अगली स्टेप तो ये कि इसकी एसआई यूनिट निकाल ली जाए। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट निकालते हैं अपन, कि भाई एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, सो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन डिवाइड बाय कूलम। अब आपको इससे डायमेंशनल इक्वेशन बनानी है, तो डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिक यूनिट में, क्योंकि ये दोनों ही जो है क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, तो न्यूटन को चेंज कर लेते हैं हम, न्यूटन के लिए क्या लिखेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो हमने न्यूटन को कन्वर्ट करा। कूलाम के लिए क्या लिखेंगे, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, कूलाम के लिए क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो आगे हम देखते हैं, नाउ दिस इज किलोग्राम इंटू मीटर, दिस सेकेंड एंड दिस सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड क्यूब एंड एम्पियर। तो आपके पास आ जाएगा किलोग्राम की पावर 1, मीटर रेस टू पावर 1, सेकेंड रेस टू पावर -3, एंड दिस एम्पियर रेस टू पावर -1। ओके, तो किलोग्राम है तो किलोग्राम में तो कितना जाएगा, एम की पावर 1, मीटर के लिए क्या हो जाएगा, एल की पावर 1, सेकेंड के लिए टी की पावर -3, एंड दिस इज ए रेस्ट पावर -1। सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और लेते हैं, चलो आगे एक और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं हम, यह है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए ये भी जो है आपने फॉर्मूला इसका स्टडी किया हुआ है 10th क्लास में, रो से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, तो यहां पर रो जो है वो क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जिसको कि रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो हम रो के लिए फाइंड आउट करना है, तो रो इज इक्वल टू कितना जाएगा, आर ए डिवाइड बाय एन। तो रिलेशन हमारे पास आ ही गया, और अब तक इतने क्वेश्चंस मैंने आपको, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमने सॉल्व करी है, तो आई थिंक अब स्टेप याद भी हो गई होगी आपको कि आगे की स्टेप क्या है, कि एसआई यूनिट ऑफ रो। तो एसआई यूनिट ऑफ रो फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी की एसआई यूनिट निकाले अपन, तो ये आर जो है क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की
एसआई यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं ओम, इससे डिनोट करते हैं, दिस इज, ये इसका डिनोटेशन है ओम का, ठीक है। ए यहां पर क्या है, एरिया, तो एरिया के लिए क्या लिखेंगे अपन, मीटर स्क्वायर, और लेंथ के लिए लिख देंगे मीटर, तो इससे तो इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा आपके पास ओम इंटू मीटर, ठीक है। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, तो ये तो बात हो गई इसकी एसआई यूनिट की। अब हमें तो क्या करना है, इसकी डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो डायमेंशनल इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ओम है, ओम जो है वो एक डिराइव्ड यूनिट है, और ये डिराइव्ड यूनिट है तो इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, बेसिक यूनिट में, ठीक है। तो चलो इसको बेसिक यूनिट में चेंज करते हैं। तो ओम अगर हम देखें तो ओम आया कहां से, V इज इक्वल टू आई आर, हमारे पास फॉर्मूला है, यहां से R इज इक्वल टू V बाय आई हो जाएगा। तो ये R जो है रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट है ओम, और ये V क्या हो जाएगा आपके पास वोल्ट, और I करंट के लिए लिखते हैं अपन एम्पियर। तो ओम जो होता है, ओम को हम क्या कर सकते हैं, वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर लिख सकते हैं, ठीक है। ओम जो है वो एक्चुअली होता है क्या, वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो ओम के लिए तो लिख देता हूं मैं वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर, ध्यान रखना भाई ये ए जो है एम्पियर के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। और मीटर तो इसके साथ चल ही रहा है, इनटू मीटर तो यहाँ पर यही सही। अब आगे देखें तो एम्पियर जो है वो हमारी बेसिक यूनिट है, ठीक है, और मीटर भी बेसिक यूनिट है। वोल्ट को आपको ब्रेक करना है, तो वोल्ट को हम क्या लिखते हैं, वोल्ट को यहां कर देते हैं, वोल्ट के लिए लिखते हैं जूल डिवाइड बाय कूलम, और ये एम्पियर हो गया आपका, और इनटू मीटर जो है वो यही सही, उसके साथ चल ही रहा है वो। अब आगे देखते हैं तो जूल है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो जूल को ब्रेक करना न्यूटन इंटू मीटर, जूल को जो है न्यूटन इंटू मीटर आप ब्रेक कर लेना, ठीक है। कूलाम जो है, कूलाम को लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड, कूलाम को क्या लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड, और एक एम्पियर यहाँ पर ऑलरेडी है और इंटू मीटर। और देखो आप, तो मीटर हो गया, एम्पियर है सेकेंड, एम्पियर मीटर, ये सारी आपकी बेसिक यूनिट्स आ गई, रही बस न्यूटन, तो न्यूटन को भी कर लो आप, न्यूटन को क्या लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो इस न्यूटन को लिखा मैंने, ये मीटर और ये मीटर मिलके यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर होगा सेकंड, और दिस एम्पियर एंड दिस एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं हम, सो नाउ ऑल दीज आर द बेसिक यूनिट्स, आप ध्यान से देखें सारी की सारी आपको क्या मिल गई, या बेसिक यूनिट्स मिल गई। तो इसको हम लिख सकते हैं कि किलोग्राम की पावर वन, किलोग्राम पावर वन, मीटर की पावर, मीटर रेस्ट पावर थ्री, दिस टू एंड दिस वन, मीटर रेस्ट पावर थ्री, देन सेकंड रेस्ट पावर, दिस टू एंड वन थ्री, तो ये माइनस थ्री, और एम्पियर के लिए हो जाएगा माइनस टू, ठीक है। तो किलोग्राम जो है मास, एम की पावर वन, एल की पावर थ्री, टी रेस्ट पावर माइनस थ्री, एंड ए रेस्ट पावर माइनस टू। सो बाय दिस वे यू कैन गेट द, बाय दिस वे यू कैन गेट द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आगे और क्वांटिटी लेते हैं, चलो एक और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लेते हैं, टेंथ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है उसको पी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टू क्यू एल, ठीक है। पी से इसको डिनोट किया जाता है, रिलेशन हमें पता होना चाहिए तभी आप आगे सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो है उसका सिंबल होता है पी, फॉर्मूला होता है टू क्यू एल। तो आगे अब आई थिंक बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऐसा यूनिट लिखे अपन, ऐसा यूनिट ऑफ पी, तो ऐसा यूनिट ऑफ पी, टू तो न्यूमेरिक नंबर है, टू की तो इसकी कोई यूनिट होगी नहीं, क्यू के लिए हम लिखेंगे कूलाम, और लेंथ के लिए लिखेंगे मीटर, सो कूलाम इंटू मीटर। So this is a SI unit of electric dipole moment, coulomb into meter. Now meter is a basic unit. Meter क्या है यहाँ पर? Meter हमारी basic unit है. Coulomb को अपन break कर लेते हैं, जो कि हम करते आ रहे हैं अभी तक. Coulomb के लिए क्या लिखेंगे? Ampere into second. और ये आ गया आपका meter. अब ये सारी की सारी आपकी basic unit है, ठीक है। तो m की power zero, क्योंकि किलोग्राम तो है ही नहीं यहाँ पे. L की power, ये meter है, तो L की power one, T की power one, and A raised to power one. So this is a डायमेंशनल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ओके। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी डायमेंशनल इक्वेशंस फॉर सम मैग्नेटिक क्वांटिटीज, ओके। तो पहली मैग्नेटिक क्वांटिटी हम ले रहे हैं, फर्स्ट ये है मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायमेंशनल इक्वेशन पता करनी है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम रिलेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब इस क्यू वी बी साइन थीटा में एफ तो आपका फोर्स हो गया, क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है, वी वेलोसिटी है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दिस साइन थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो इसको अरेंज कर लो, तो बी इज इक्वल टू आपके पास रहेगा एफ डिवाइड बाय क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या अपनी एस आई यूनिट ऑफ बी, सो एस आई यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एस आई यूनिट ऑफ बी क्वांटिटीज। सो एस आई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन, पता है आपको, चार्ज के लिए कूलम, वेलोसिटी के लिए मीटर अपॉन सेकेंड, एंड दिस इज यूनिटलेस साइन थीटा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो न्यूटन जो है हमारा, न्यूटन डिराइव यूनिट है, तो न्यूटन के लिए लिख देते हैं किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। आगे देखते हैं कूलाम, कूलाम के लिए क्या लिखेंगे, एम्पियर इंटू सेकेंड, ओके। नाउ दिस इज मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, तो इस सेकेंड से सेकेंड आप कट कर दे। नाउ ऑल दीज आर द बेसिक यूनिट्स, तो किलोग्राम रेस्ट टू पावर वन, ये मीटर से मीटर भी कैंसिल कर दो आप, तो किलोग्राम रेस्ट टू पावर वन तो आ ही जाएगा, मीटर देख ले, मीटर यहाँ पर आ रहेगा ही, तो मीटर की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है दिस सेकेंड, सो सेकेंड की पावर -2, एंड दिस एम्पियर रेस्ट टू पावर -1, तो यहाँ से आपको मिलेगा एम रेस्ट टू पावर 1, एल रेस्ट टू पावर 0, टी रेस्ट टू पावर -2, एंड ए रेस्ट टू पावर -1। सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, एम की पावर 1, एम कैसे आया, मास के लिए, किलोग्राम जो है किसकी बेसिक यूनिट है, या किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की, तो मास की यूनिट किलोग्राम है, तो ये एम आ गया। यहाँ मीटर है, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, तो ये एल है, तो एल की पावर 0। सेकेंड यूनिट होती है टाइम की, टाइम के लिए टी यूज करते हैं, तो टी की पावर -2, एंड दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक करंट, सो ए रेस्ट टू पावर -1। सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट्स सी अ नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट सेकेंड क्वांटिटी हम लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसको डिनोट किया जाता है फाई से, ठीक है, और इसका जो रिलेशन है, फॉर्मूला जो होता है इसका होता है फाई इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो हम यहां से लिखते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ फाई, तो एसआई यूनिट ऑफ फाई इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ बी एंड एसआई यूनिट ऑफ ए। तो बी जो है यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो आपने सॉल्व किया हुआ, यहाँ से लिख लो आप, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइड बाय कूलाम इंटू मीटर, तो ये तो बी के लिए कर दिया आपने, ठीक है। ए यहाँ पर होता है एरिया, तो एरिया के लिए क्या करोगे आप, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर, ये जो क्वांटिटी है वापस, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने ऑलरेडी ये क्वांटिटी तो सॉल्व करी हुई है, ठीक है, और उसका डायमेंशनल इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया है, तो हम यहीं से ही ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। आपके पास ही प्रॉब्लम आती है, आपके एग्जाम में सॉल्व करना होता है, तो आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है कि ये जो क्वांटिटीज की यूनिट्स आई है, ये जो भी डिराइव यूनिट है इसमें से, उन सारी डिराइव यूनिट को आपको किसमें बदलना पड़ेगा, बेसिक यूनिट में, ठीक है। हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ, आपको हमने सिखा रखा है यहाँ पर, ये ऑलरेडी लर्न किया हुआ है हमने, तो इसको मैं एज इट इज पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एम की पावर 1, एल रेस टू पावर 0, टी रेस टू पावर -2, एंड ए रेस टू पावर -1, ठीक है, और मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर के लिए आ जाएगा एल रेस टू पावर 2। तो डायमेंशनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी रेस टू पावर -2, एंड ए रेस टू पावर -1, तो ये हमारे पास आ जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन फॉर अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2, एंड ए रेस टू पावर -1, ओके। एक क्वांटिटी और लेते हैं हम थर्ड, ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है उसको भी हम पी से ही डिनोट कर देते हैं, पी एम लिख देते हैं। सो दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट, एंड दिस मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट, ठीक है, करंट इनटू एरिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर,
और एरिया के लिए क्या लिखेंगे अपन, मीटर स्क्वायर। तो दोनों ही बेसिक यूनिट है, यहाँ से आ जाएगा एम की पावर जीरो, एल की पावर टू, टी की पावर जीरो एंड ए रेस टू पावर वन। सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, सो आई होप आपको आपने लर्न किया होगा कि किस तरह से आप डायमेंशनल इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की भी और मैग्नेटिक क्वांटिटीज की। मैंने आपको ऐसा प्रोसीजर बताया जिसमें कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन को काफी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो फॉलो दिस प्रोसीजर एंड बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर यू कैन इजीली डिराइव द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर अ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो स्टेप्स क्या है हमारी, फर्स्ट स्टेप, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं उसका रिलेशनशिप आपके पास होना चाहिए। जो रिलेशनशिप आपके पास होगा तो सेकंड स्टेप है कि आप लिखेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, तो ऐसा यूनिट निकाल लेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी की। और ऐसा यूनिट आप फाइंड आउट करने के बाद आप उसमें चेक कर ले कि डिराइव्ड यूनिट तो नहीं है उसमें कोई भी, सारी की सारी क्या होनी चाहिए, बेसिक यूनिट। ठीक है, तो अगर कोई डिराइव्ड यूनिट है तो उस डिराइव्ड यूनिट को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेसिक यूनिट में। तो जैसे ही आप डिराइव्ड यूनिट को बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे देन यू विल गेट द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। सो आई होप ये लेक्चर से आपको हेल्प मिलेगी और जितने भी आपके डाउट्स थे या जो आपकी प्रॉब्लम थी डायमेंशनल इक्वेशन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम लेक्चर बनाएंगे वो लेक्चर बनाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस का। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी उसमें होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I hope you will continue support us and I will continue prepare these kind of videos for your study. Okay, thank you.